What's up everybody, you're from Mystery and I'm back with another video. तो भाई जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो था पूरे लॉट को लेके, जिसमें अंदर लॉट में मैंने आपको 5, 6 या 7, 8 बाइक्स दिखाई थी. और उससे पहले वो जो कोने बाइक खड़ी है बलकर, उसके अंदर फाइनेंस के बारे में समझाया गया. डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, उसको जाकर जरूर चेकआउट करो. तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके पास एक बहुत अच्छी बाइक, जो आपने थंबनेल और टाइटल के हिसाब से समझ गए होंगे कि आज हमको कौन सी बाइक दिखाने वाले, जो आपकी मतलब फेवरेट बाइक है. जो बाइक मैं जब भी दिखाता हूँ आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, इसलिए मैं फिर से वो बाइक लेके आ चुका हूँ. और इसमें सामने ही खड़ी है, बहुत सारी एसेसरीज लगी हुई हैं हद से ज़्यादा. तो गाइस पहले सिनेमैटिक्स दिखाऊं या पाजी से मिलो? पहले पाजी से बात करते हैं, फिर सिनेमैटिक एंजॉय करना, फिर पूरी बाइक की डिटेल देंगे, आवाज़ सुनाएंगे. बहुत प्यारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, और हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे. और पीछे मैं पूरा लॉट दिखाता हूँ आपको. लॉट में से कौन सी न्यू बाइक देखनी है वो भी ज़रूर मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में जाके. बाकी प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना. बाकी चलते हैं पाजी की तरफ और पाजी से मिलते हैं. सो ये हल्की सी झलकियाँ दिख रही हैं बाइक की, बट पहले पाजी की झलकियाँ दिखा देते हैं. फिर से आ चुका है हमारे साथ पाजी. पाजी अरे जैकेट देख के उन्हें कुछ याद आ रहा है. क्या याद आ रहा है? जैकेट तो है नहीं पहली बार. हुडी देख के कुछ याद आ रहा है. अच्छा हुडी, क्या याद आ रहा है? हम कॉलेज में गए थे. एकदम से याद आ गया क्योंकि फ्रेम में मेरे को समझ सही मजा आ रहा था. कॉलेज की फेस्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना एक बारी. एक आईबीएस कॉलेज गुड़गांव के अंदर भी एक फेस्ट हुई थी हमारी, वहाँ पे भी सरस्वती मोटर्स वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, उसका भी आई बटन में लिंक मैंने कर लिया. अगर डाल दिया यार आई बटन में, ना मेरे को डालना नहीं आता, सीखूंगा जाके. पर डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखना. डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना दोस्तों, ये थोड़ा मेहनत कम करता है हमारा, लेकिन फिर भी चल जाती है वीडियो. ऑल थैंक्स टू मी फॉर दैट. सो तो गाइस आज की वीडियो जो है, दैट्स गोना बी, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बहुत प्यारी वीडियो है, एंड कैप्शन भी पढ़ लिया होगा. इट्स नाउ गोना बी अबाउट सुजुकी हायाबुसा जीएसएक्स आर 1300 आर नहीं है, GSX 1300R बोलते हैं उसको. यार आज कुछ ज्यादा गलतियां हो रही है मेरे से. नॉलेज कम है लड़के को, कोई बात नहीं यार, हमने बहुत गुस्सा कर, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा. गाइस लॉट में आपको कितनी सारी बाइक्स दिख रही हैं, कुछ कुछ तो ऐसी ऐसी बाइक्स हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स की भी हैं. बस वो भी एक व्लॉग आने वाला है धीरे धीरे करके, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी वजह से ही है, आपकी वजह से सपोर्ट आ रहा है, आपकी वजह से प्यार आ रहा है. तो बड़ी सारी ऐसी बाइक्स आने वाली है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, कुछ व्लॉग्स के बाद, जिसके अंदर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल चीज दिखाऊंगा. उसके लिए स्टेट यून रहना, सब्सक्राइब कर लो. नहीं करा तो मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के चैनल को, क्योंकि ऐसा कंटेंट देखने को मिलता ही है. तो 3 मिलियन कुछ टोटल व्यूज है चैनल के. अच्छा, और सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर 30,000. कोई बात नहीं, कोई बढ़ेंगे, जितने भी हैं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, प्यार मिलेगा तभी बढ़ेंगे. लोग मेरे को देखने आते हैं, तेरे को सब्सक्राइब करने नहीं आते, मेन बात ये है. जरूर सो मच, थैंक यू. ऐसे ही बस प्यार देते रहो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. बाकी जोक्स अपार्ट, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, मैं आ गया हूँ तो सब्सक्राइब. और एक आपकी फेवरेट बाइक लेके आया हूँ जो पूरे इंडिया की फेवरेट बाइक है. तो विदाउट एनी फर्दर डू, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स गो. जैसे आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, बाइक आप लोग पहचान गए हो, इंडिया की फेमस है, दैट इज नन अदर देन योर सुजुकी हायाबुसा. सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं भी ऑक्यूपाइड हो गया था, थोड़ी सी शाम भी हो गई है, इट्स ओनली बिकॉज बिजी हो जाता हूँ. आप लोग प्यार इतना करते हो, आते रहते हो, मिलते रहते हो, तो इट फील्स रियली गुड. बाइक आपके सामने खड़ी हुई है. नाउ दिस इज वन ऑफ अ काइंड मशीन. हायाबुसा की जितनी तारीफ करूँ, जितना बोलूँ उतना कम है गाइस. ये चीज़ ही ऐसी है और बनाई ऐसी है, और लेगेसी देखो क्या कायम रखी है सुजुकी वालों ने. 2009 से लेके 2020 तक, लिटरली 11 साल से सिर्फ एक लौती एक हायाबुसा ही है जो बिल्कुल सेम आ रही है. बिल्कुल सेम मतलब बिल्कुल डिटो सेम. चेंजेस अगर हुए भी थे तो 2014 के अंदर एक ब्रेम्बो ब्रेक्स और एक एबीएस का फ़र्क आया था, उसके अलावा एक इंच का भी चेंज नहीं है. बस नए नए कलर्स आते गए, और तब भी इस बाइक को इतना प्यार मिला, इतनी सेल्स इसकी उठी हैं कि आज भी इंडिया के अंदर शायद सबसे ज़्यादा बिकने वाली सुपर बाइक अगर है तो वो है सुजुकी हायाबुसा. ऑल क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर मूवी धूम मचाले, जिसमें अर्जुन था, है ना, गोल्डन गोल्डन. एनीवेज लेट्स कीप थिंग्स लो की. अब बात करते हैं इस बाइक की गाइस.
ये जो बाइक है, अगर देखने में आप लोग सोच रहे हो कि ये शायद कलर एडिशन 2013 वाला है, 12 वाला है, तो आप सही सोच रहे हो, लेकिन ये मॉडल 2010 का है। दिस इज 2010 मॉडल टर्न इनटू 2013 एडिशन। तो देखो 2019 लग रहा है। 19 में नया शेप आने वाली है। 19 में कलर आया नहीं था ये, लेकिन एज पर दी कंडीशन दिस इज अ वेरी क्लीन बाइक। बट एनी वेज 2020 जो है, इट्स गोना बी द लास्ट ईयर फॉर बूसा एंड लेजेंड है। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि बंद हो जाएगी, डिसकंटिन्यू, लेकिन खुशी भी है कि एक नया मॉडल भी आएगा। देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में आता है। आई होप एंड आई लिटरली, मुझे लग रहा है कि शायद बाइक एक्सपेंसिव ही आएगी, तो देखते हैं कितने की आती है, लेट्स सी। बाकी रही बात इस बाइक के बारे में गाइस, इसकी एक्सेसरीज की अगर बात करूँ तो इसके अंदर एक्सेसरीज भर भर के लगी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज लगी हुई है गाइस, पूरी बाइक लोडेड है एक्सेसरीज से। आगे से शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट। पहले आपकी नज़र पड़ रही होगी ये मड गार्ड के ऊपर, ये जो फ्रंट फेंडर लगा हुआ है, मड गार्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये भी एक कस्टमाइज करा गया एक फेंडर लगा हुआ है। ये जो अभी देख रहे हो, अभी बोल्ट्स की शेप हो गई, ये आगे से हो गया, ये थोड़ा सा छोटा है, वैसे बूसा थोड़ा सा आगे तक आता है, ये थोड़ा सा छोटा हुआ करा हुआ है, एंड ये करा नहीं हुआ, बेसिकली एक मंगाया हुआ है, इट्स एन इम्पोर्टेड पार्ट जो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बड़ा यूनिक और अच्छा लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी एनहांस कर देती लुक्स को, और साथ ही साथ में आप ये जो रोटर्स देख रहे हो, ये भी कुछ आपको डिफरेंट से दिख रहे होंगे, और किसी बूसा मैंने देखा नहीं अभी तक, बहुत रेयर है, कई लोग नहीं चेंज कराते। दीज आर नोन एज पेटल डिस्क रोटर्स। पेटल डिस्क रोटर्स मतलब पेटल शेप के अंदर इसकी जो रोटर की जो आप ये जो देख रहे हो कर्व्स एंड एजेस जो हैं, ये पेटल शेप के अंदर होती है, और इसके अंदर कट्स रहते हैं। यूजुअली एक रोटर के अंदर स्लॉटेड रहता है, उसके अंदर होल्स होते हैं, इसके अंदर एक लंबे लंबे कट्स होते हैं। पेटल डिस्क रोटर की खासियत ये होती है कि ये जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये कट्स वगैरह जो है, एक इसके पीछे भी एक फिजिक्स है, चलती गाड़ी के अंदर इतना भी गर्म ना हो जाए कि आपकी ब्रेक्स फेड हो जाएं, तो ये पेडलेस रोटर्स जो है आपकी ब्रेकिंग को एनहांस करता है, जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट विच यू गेट विद पेडलेस रोटर्स, ये काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है फॉर नॉन एबीएस बाइक्स। पेडलेस रोटर्स के बाद अगर इसके ऊपर नज़र मारेंगे तो इसमें लगी हुई है एडजस्टेबल लीवर्स। अब इनके ऊपर भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया थोड़ा बहुत लीवर्स का बताओ, ये एडजस्टेबल क्या होता है। एडजस्टेबल लीवर्स मतलब ये जो डिस्टेंस है, अभी ब्रेक का डिस्टेंस है, ये हर किसी के हाथ देखो सेम तो होते नहीं, अर्जुन के छोटे हैं, मेरे लंबे हैं, वो तेरे बहुत छोटे हाथ हैं, तो उसी के वजह से जो भी ओनर्स होते हैं, हाँ ये भी नंबर 6 पे है। अगर इसको एडजस्ट करना है तो आपको लीवर को बस ये बाहर को खोलना है, ये थोड़ा सा बाहर को जाता है, बाहर को जाते ही आप इनको अपने उस हिसाब से एडजस्ट करते हो। अभी इतनी ही हो गई देखो, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कम हो गया, मतलब आपकी ब्रेक अब इतने में ही लग रही है। अगर इसी के हिसाब से मैं इसको अगर फुल करा देता हूँ, अब ये डिस्टेंस बढ़ गया, अब ये डिस्टेंस देख रहे हो कितना बढ़ गया। ये एडजस्टेबल लीवर्स की एक ये खासियत है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना लीवर प्रेस करके कितनी ब्रेकिंग चाहिए, तो ये भी इट्स अ गुड अपग्रेड टू योर रेगुलर लीवर्स, अच्छी चीज़ है, वैसे सस्ता ऑप्शन है, और सस्ते के अंदर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। लीवर्स के साथ साथ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं क्रैश गार्ड्स, क्रैश गार्ड ऑल्सो वंस अगेन वेरी नेसेसिटी आइटम, नेसेसरी आइटम। अब क्रैश गार्ड्स के पीछे भी बड़ी एक लगा लो, इसके अंदर भी बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, क्वालिटीज आती हैं। असल में जो क्रैश गार्ड्स होते हैं वो होने चाहिए ऐसे, इसके पीछे एक एल जॉइंट होता है, एल जॉइंट लगने के बाद ही क्रैश गार्ड्स लगते हैं। एल्सवर्थ इसका जो जॉइंट है ना, ये पीछे वाला, ये पीछे एक एल्बो देख रहे हो आप, इसके पीछे एक एल्बो है, पता नहीं कैमरे में दिख रही नहीं दिख रही, वो यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से इस नट के पीछे से कनेक्टेड है। तो डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे होल क्रिएट करके यहाँ से क्रैश गार्ड निकालने के लिए एक एल जॉइंट लगाना पड़ता है क्रैश गार्ड्स के लिए, जो एक ऑथेंटिक फीलिंग दे, और आपकी फेयरिंग के कहीं पर भी कट ना है, इसलिए एल जॉइंट वाला क्रैश गार्ड आते हैं। दीज आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं लगाना, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप फेयरिंग का नुकसान करते हो, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। उसी के अलावा चलते हैं, इसके अंदर लगा हुआ है टैंक पैड एंड टैंक ग्रिप्स। अब एक साइड की टैंक ग्रिप उतर गई है, लेकिन मैं अंदर पड़ी हुई है, वो मैं लगा के दूंगा, तो कमेंट्स के अंदर मत बोलना गाइस कि एक साइड की नहीं है, लगा के मिलेगी यार ये, अभी तो थोड़ी आपको कम चमकती हुई ना लग रही है, इससे भी ज़्यादा चमका के मिलेगी। एग्जैक्टली, हम डिटेलिंग के विश्वास करते हैं कि डिटेलिंग करके देंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हम ऐसा नहीं कि पहले ही गाड़ी डिटेलिंग नहीं करते हैं यहाँ पे, हाँ वीडियो के लिए थोड़ी डिटेलिंग करेंगे वीडियो हम बेसिकली मेरा जो फंडा है वो ये है कि गाड़ी कस्टमर को पहले मैकेनिकली पसंद आनी चाहिए, उसके बाद हम डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल नहीं करके देते हैं गाड़ी,
अपना वो फंडा नहीं है कि पहले चमका के रख लो फिर 1,00,000 रुपए फालतू मांग लो, अपना वो काम नहीं है। आप गाड़ी देखो, चला के देखो, मैकेनिकली चेक करो, मैकेनिकली पसंद आएगी तो कॉस्मेटिकली सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको बिल्कुल नई चमकती हुई गाड़ी निकाल के दूंगा, शोरूम से निकलती है वो दूंगा। सुबह सुबह उठ के बाल सेट करना बिल्कुल, हाँ सही बात है। उसके अलावा गए जिसके अंदर लगा हुआ है रेस फिट का कस्टम एग्जॉस्ट। अब ये मेन चीज़ है गाड़ी के अंदर, बूसा लोग लेते हैं आवाज़ के लिए और रेस फिट से ऊपर आवाज़ मेरे हिसाब से किसी भी एग्जॉस्ट की नहीं है, आएगी सुनने को मिलेगी। एग्जैक्टली, दिस इज रेस फिट सीआर रेस फिट, ये कस्टम एग्जॉस्ट है गाइस, दिस इज नॉट ऑथेंटिक, दिस इज नॉट ओरिजिनल, ये फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है। और साथ ही साथ अगर आप पीछे भी डिस्प्ले पर देखोगे, पीछे भी इसमें एक पेटलेस रोटर लगा हुआ है, अगेन वही सेम सिमिलर चीज़, जितनी जल्दी गर्म होता है ठंडा भी होता है। नीचे ब्लू कलर का हिंट जो देख रहे हो आप, दीज आर योर पैडॉक स्पूल्स, पैडॉक स्टैंड लगाने के लिए आपको स्पूल्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर पिछले मिशेलिन रोड पायलट 4 टायर लगा हुआ है, दिस इज वंस अगेन एन ऑल वेदर टायर। और इसके अंदर भी अभी 75-80% अभी इसके अंदर साइड के ग्रूव्स तो नहीं जाते कहीं पे भी, बट इसके अंदर अभी भी 75-80% टायर है, उससे ज़्यादा ही होगा, बट आई एम टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। बाकी पीछे से आप देख रहे हो HR 26 गुड़गांव रजिस्ट्रेशन ये बाइक है, पीछे से लुक देख लो भाई दोनों एग्जॉस्ट की, मज़ेदार लगता है रेस फिट के एग्जॉस्ट, नो डाउट। इसकी लुक फिर तभी तो सबको पसंद है भूसा, बस तभी तो बस सबको प्यार है, मेरे को भी अच्छी लगती थी, नहीं लगती वैसे तो। लोगों को पता, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मुझे क्या पसंद है। चलिए बात करते हैं इस बाइक के ऊपर, मैं यही पे जैसे कह रहा था यहाँ पे टैंग ग्रिप हट गई है लेकिन मेरे अंदर पड़ी हुई है, वो मैं लगा के दूंगा आपको। उसी के साथ साथ नीचे आप देख रहे हो इसमें इंजन केसिंग कवर लगा हुआ है, तो जस्ट इन केस ऑफ अ फॉल इसका इंजन का जो ये क्रैंक केस प्रोटेक्टर है, ये क्रैंक केस यहीं से दिखती है, वहाँ पे उस साइड में नहीं दिखती विजिबली, उसका कोई भी होल नहीं है, कोई कट नहीं है, तो यहाँ पे उसमें केस प्रोटेक्टर लगा हुआ है, अगेन क्रैच गार्ड्स लगे हुए हैं, ऊपर लीवर लगा हुआ है। तो दिस इज़ द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस 2010 मॉडल सुजुकी हायाबुसा GSX 1300R CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लुकिंग थिंग जो हर तो किसी को पसंद है। तीन चार बूसा कट कट करके ना इंट्रो बना देता हूँ बूसा के ना। इग्निशन सीक्वेंस सबसे प्यारी, आवाज़ इसकी नहीं है। 17,204 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक, 17,000 किलोमीटर डन, बुलबुल का बच्चा। और इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस गाड़ी। अब इसकी आवाज़ है, आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी मज़ेदार आवाज़ है रेस फिट एग्जॉस्ट की, एंड आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मेन बात आ जाती है इसके प्राइस की, अब लोग पूछेंगे कि यार इतनी सारी बातें कर ली है प्राइस भी बता दो। गाइज ये जो बाइक थी 2010 की अगर बात करूँ तो उस टाइम पर लगभग 20,00,000 से ऊपर की थी, दिस थिंग वाज ओवर 20,00,000 रुपीज़। और अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो इसके अंदर नाना करते भी तो 1,00,000 रुपये का सामान अलग से लगा हुआ है, इंक्लूडिंग दी एग्जॉस्ट, क्रैश गार्ड्स, इंजन गार्ड, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स और भी छोटे मोटे पेटलेस रोटर्स वगैरह मिला के अराउंड 1,00,000 रुपीज़ का इसमें सामान लगा हुआ है गाइज। और ये CBU यूनिट है, इट्स अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, तो इसकी जो क्वालिटी है वो नो डाउट एक CKD यूनिट से काफ़ी अच्छी है। तो CBU यूनिट 2010 मॉडल बाइक भूसा का जो मैं प्राइस हम कोट कर रहे हैं, दैट इज़ गोना बी 8,25,000, 8,25,000 रुपये की आपको ये बाइक मिल जाएगी। प्राइजेज आर नेगोशिएबल, आइए देखिए, चेक कीजिए, एंड वी कैन नेगोशिएट अ गुड डील ओवर द टेबल फॉर दिस 2010 मॉडल सुजुकी हायाबुसा। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो हायाबुसा को लेके, जो आपकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी यार। हायाबुसा में ना यार बहुत टाइम से आ नहीं थी, और आ भी नहीं थी तो इतनी जल्दी दिखा देते थे हम, ये काफ़ी टाइम से आ रखी थी। और लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसका
सिंगल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए तो सबने कहा ही था चाहिए क्योंकि भूसा है यार और क्या भूसा के लिए कोई मना नहीं करता भूसा लोग कहते हैं बस दिखाओ दिखाओ सिर्फ भूसा दिखाओ मैं सिर्फ भूसा कहाँ से दिखा दूँ कोई बात नहीं सबका प्यार है आपका अफेक्शन है हायाबुसा के लिए और क्यों ना हो इससे लेजेंडरी बाइक लेजेंड है एक लिविंग लेजेंड है हमारे साथ और तो इसका आखिरी साल है भाई अभी आपने जैसे बोला था 220 में बंद होने वाली है उसका मतलब क्या था कि भूसा नहीं चलेगी उसके बाद ये फेयरिंग वाली भूसा चलेगी नहीं भूसा मिलेगी नहीं अब नई बाइक जो है नई हायाबुसा जो है आपको 2020 के बाद नहीं मिलेगी ये वाला शेप हाँ जी आप पे भीड़ लगने वाली है देखते हैं लेट्स सी कैसा रिस्पांस आता है मार्केट का अब जिनको चाहिए भूसा वो तो लोग लेने आएंगे ही आएंगे क्योंकि भूसा एक ऐसी चीज़ है जो इट्स एन ऑलराउंडर मशीन यार हर कोई लेता है 2010 की बिक्री है अभी तक तो फिर 2010 की भी ऐसी क्वालिटी की है मतलब क्वालिटी चीज़ है ये नहीं कि 2010 की है कि 10 साल पुरानी गाड़ी होगी और ये कबाड़ हो गई इट्स नॉट लाइक कार्स गाइस की 10 साल पुरानी गाड़ी की भी अगर बात करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है बट दिस इज समथिंग विच इज हायाबुसा क्वालिटी है अगर 20 लाख रुपये खर्चे थे पहले गियर में तो आ जाती है और ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खचर भर आवाजें आ रही है नथिंग एज सच दिस इज अ क्लीन मशीन एब्सोल्युटली मिंट कंडीशन की है मजेदार गाड़ी है बैठो चाबी ऑन करो और ले जाओ ये ऐसी चीज है सो दुकान पे विजिट करो चेक करो बाकी सही टेस्ट ड्राइव तो भाई मेरे साथ लो मैं दूंगा मैं दूंगा मेरे पीछे बैठो एक बार आपको पावर का एक्सपीरियंस देता हूं डोंट माइंड ऑन दैट गाइस भूसा किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते ये चीजें फर्क हो जाता है सो विद दैट सेड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हां कर लो यार फेसबुक पे भी करवा दो 50,000 लाइक्स करा दो यार पाजी के मैंने देखे हैं 45 यार 45 पहुंच गए हैं 45,000 लाइक्स हो गए हैं हमारे सुपर बाइक्स पे सरस्वती मोटर्स के ऊपर हमें 10K करा दो और मेरे 50,000 सब्सक्राइबर करा दो करा दोगे तो मजा ही आ जाएगा यार बस एक ख्वाहिश है करा दो कुछ बढ़िया सा लाएंगे 50,000 इसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे 50,000 मेरे लाइक्स हो जाएंगे फेसबुक पे मेरे 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 7,000 पहुंच गए हैं बस वो जिस दिन खुशी ऐसे मिलेंगे ना अंदर से उस दिन तो मैं H2 ले आऊँगा नो डाउट ले आऊँगा लेकिन बस आप जल्दी से कर दो कुछ ना कुछ तो ले आऊँगा H2 नहीं तो H2 के पास में कुछ ना कुछ तो ले आऊँगा देखने को भी मिल जाएगा इसी फ्रेम में मिलेगा इसी चैनल पे मिलेगा इसी फ्रेम में मिलेगा इसके और मेरे साथ ही मिलेगा आज भूसा खरीदी तो वहाँ पे H2 भी होगी जो कलर होगा उस कलर के कपड़े पहन के करेंगे और बोलो बस ये वाली अचीवमेंट पूरी करा दो थोड़ा ज़्यादा हो गया ये बट मैं लेके आऊंगा आपके लिए एनीवेज चलो भाई थोड़ा मजाक चलता रहता है बाकी आप जो सपोर्ट करते हो इतना प्यार देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी सपोर्ट देते रहो ऐसी प्यार देते रहो सब्सक्राइब कर लो बाइक के चैनल को मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स को वीडियो को लाइक कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कमेंट छोड़ना तो जरूरी है आपका नाम लेंगे और आपका कमेंट बहुत अच्छा होगा हाँ यार कुछ ऐसे सोचते हैं मेरे वो लोग कहते हैं कि मेरे नाम वगैरह के लिया करो तो हम सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो भी अच्छा कमेंट होगा हम उनके नाम लेना स्टार्ट करेंगे एक नाम मैं लूंगा एक नाम आप लेना डन डन अगली वीडियो से पक्का तो अब चलते हैं ये किसी ने रिफ्लेक्शन मार दी बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय ओके